अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम रूल फ्री कर दो। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट जरूर बताते रहें। आज जो वीडियो लेके आया, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई और मुझे पता चला कि डांस चैलेंज उससे पहले था, मुझे लाइव डेयर हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आए मिलकर देखेंगे आज की वीडियो जो है डांस चैलेंज। और मैंने कहा हो कि मेरे मौरव की अब सारी पुरानी वीडियोज पर रिएक्शन देना शुरू कर देते, इंशाल्लाह सारी कंप्लीट कर दूंगा। और आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए भी एक टारगेट रखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 2-3 लाख नहीं कह रहा मैं, 20,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करें। और मेरी पुरानी वीडियोस भी जाके जरूर देखें जो कि मैंने रिमोरव के रिएक्शन दिया हुआ है, आप जाके रिमोरव के रिएक्शन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनती है और मुझे भी अच्छा लगता है सारी बात इनको देखना। चैलेंज आपके लिए है कि आपने जब तक ये मेरी वीडियोज कम्प्लीट होती हैं आपने मेरे चैनल को 20,000 सब्सक्राइबर देनी है, तो दे दें प्लीज। आई एम लेकर देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात, विस्तार करते हैं अब। शिवा सेज रिमोरव योर नेक्स्ट चैलेंज शुड बी एनी डांस फॉर्म व्हिच मोहिना वुड बी जजिंग, वी माइट कंसीडर दिस शिवा एंड वी विल स्टार्ट। मैं इतनी स्ट्रिक्ट जज बनूंगी ना, इतनी स्ट्रिक्ट जज बनूंगी ना कि इन दोनों को जीरो कर दूंगी। एंड वी विल इट विल बी नेम्ड एज डांस रिमोरव डांस। नो बात, नो बात, नो बात, ओनली बकवास, ओनली बकवास, ओनली बकवास। आ, यहीं पे ऑडिशन हो रहे होंगे आज, तो डांस करके दिल जीत लेना है ये। अब भाई साहब ये शक्ति स्टूडियो मुंबई नहीं चल रहे? चल रहे हैं, घंटी बजा रहा हूँ, खोलता नहीं। रहते हैं शक्ति स्टूडियो मुंबई, कहाँ पे काफी भीड़ रहती है। तो आज ऑडिशन मुझे पता लगा, बार में मैंने देखा ऑडिशन चल रहे हैं, मैं खड़ा हूँ। काफी देर से खड़े हैं, बहुत देर से अंदर, मुझे रश काफी लग रहा है। अरे अंदर जाके देखो तो सही। तो नो ड्रिंकिंग और ईटिंग वी आर अलाउड, वी आर अलाउड, नो ड्रिंकिंग, नो ईटिंग, वो लिखा ही है उन्होंने। चलो पूछ सकते हैं स्टूडियो पे। नाम बताइए अपना। गौरव फ्रॉम जयपुर। हाय मैम, आई एम ऋषि फ्रॉम जलंधर। मैं जयपुर मैम, बहुत दूर से आए हैं, इनका दूर ये भी काफ़ी दूर से आए क्योंकि मुंबई में ऑडिशन है। एंड मैं बहुत सालों से डांस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप में बहुत ही अद्भुत और प्राचीन। आप डायरेक्ट फिनाले में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत ऑडिशन तो हुआ ही नहीं, खासी ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ एसी फुल ऑन चल रहे हैं। ऑलराइट, अब वन बाय वन बताइए कि आपको कौन सा स्टाइल मिला। आपकी लॉटरी लग गई। मुझे इंडियन इंडियन क्लासिकल स्टार्ट नाउ। एकदम पंजाबी से मिक्स आ रही है मुझे। क्या ठुमका लगाया भाई। सिंगम सिंगम गिर जाओ जमीन पे। फोन तो ले जाओ, ये फोन वाला माइक है। फोन पे नहीं देखना वो। अच्छा देखना साहब। कौन सा स्टाइल मिला था आपको? इंडियन क्लासिकल। और कितना टाइम मिला था आपको प्रिपेयर करने के लिए? 30 मिनट्स। क्या कर रहे थे आप लोग जब प्रिपेयर करने के लिए टाइम लिया था?
मतलब ऋषि का भी ऐसे ही कुछ। मुझे ये भी पता है कि आपको इंडियन क्लासिकल नहीं आता है। जो मैंने किया वो हो सकता है इंडियन क्लासिकल ना हो क्योंकि मैंने बिल्कुल ट्रेनिंग ले ली है, बट मुझे लगता है कि मैं। तो आपने जो स्टाइल किया है वो इंडियन क्लासिकल क्या है? वो इंडियन क्लासिकल मुझे नहीं पता वो क्या था, बट वो मेरा स्टाइल है। आप नाम दे सकते हो उसे मेरा स्टाइल। मुझे एक्चुअली मौके नहीं मिल रहे थे कि मैं अपना मेरा स्टाइल करके दिखाऊं। मुझे लोग हिप हॉप करवा देते थे, बॉलीवुड करवा देते थे। पहली बार आप मिली हैं जिन्होंने इंडियन क्लासिकल करने को बोला, नेवर, मैंने अपना किया। आता नहीं था वो, तो मैंने सोचा मैं मेरा स्टाइल करूं। तो मेरा सिलेक्शन होगा। पूरे शो में आप दो ही हैं। मुझे अभी पता लगा, फिर तो मैं जीत जाऊं। दिख रहा है आपको? जी होगा। देखते हैं, आपको रकम तो पता होगी, विनर को कितनी मिलेगी? हाँ, वो बाहर मैंने एक मैडम बैठी थी, उनसे पूछा था जीतने वाले को क्या मिलेगा। उन्होंने बोला रिमोरा व्लॉग में एक बार आने का मौका। और इससे बड़ी मैम मेरे बचपन से इच्छा थी कि मैं इन व्लॉग्स में एक बार आता हूँ। बाय बाय, प्लीज निकालो इनको। एक बार एक मौका, चलो दूसरा कोई शो ले लेना, व्लॉग में ले लो, कॉमेडी कर दूंगा। सर एक बार बात कर रहा हूँ ना मैं। तुझको ढूंढता फिरता रहता हूँ, यूं तो मैं पर पकड़े पाता रहता हूँ। सॉरी रन दे अगर हम जीतेंगे तो हमें रिमोर व्लॉग में आने का मौका मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? यस, तो या आप आओ या मैं आऊं। आप आओगे तो मुझे ले लेना, मैं आऊंगा तो आपको ले लूंगा। मैडम भाई मुझे बताइए स्टाइल क्या था आपका? ऋतिक रोशन वाला कंटेंपरेरी बैले था ना स्टाइल? कंटेंपरेरी बैले मोहिना करेगी, मोहिना का डांस देखना बहुत मजा आता है। जब शुरू हुआ था तो आपको भी शायद प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया था, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके पास कंटेम्प्रेरी बैले की नॉलेज नहीं है, तो क्या क्या कर रहे थे आप? मैम प्रिपरेशन तो मुझे मिली थी, मैंने की भी थी, लेकिन एक छोटी सी चूक ये हो गई कि मुझे बीच में फोन आ गया। एक स्लाइड किया था साइड लैटरल्स पे, आपने स्लाइड किया था और लेग स्ट्रेट था और फुट पॉइंटेड था। वो पोजीशन से मुझे पता चला कि इनमें शायद टैलेंट है। देखिए मैं इन्हें कंटेम्प्रेरी नहीं कह पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मजबूरी है। मोहल्ले में डांस चैंपियनशिप चल रही है, ये नृत्य शक्ति में चल रही है, नृत्य शक्ति स्टूडियो मुंबई में, आप यहाँ पे जरूर आए। आपने जो जैकेट के साथ फ्लोर पे कुछ मूवमेंट किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक था, लेकिन एंड में उस मूवमेंट में आप कहीं तो अटक गए थे ना? कपड़ा है मैम, कपड़े का कोई भरोसा नहीं मैम, कभी भी उतर जाता है, कभी भी चढ़ जाता है, कभी भी निकल जाता है। तो मैम जैसे ये जैकेट ऐसे घूमी थी, तो सर ये इसका हाथ ढीला है, अब जब हम ऐसे घुमाते हैं तो एक फ्लो में तो ये चले जाता है, यू नेवर नो कि दूसरे फ्लो में कब जाए। शक्ति स्टूडियो फॉर द इंटेंसिव, आप हटेंगे तो यहाँ पे आपको 40 क्लासेस इन अ मंथ मिलेंगी। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तो प्लीज विजिट द साइट www.nrityashakti.com। बहुत अच्छे, क्योंकि
क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं प्रोफेशनली डांस करता हूँ, मैं जयपुर में एक इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा हूँ, बट यहाँ आके मुझे बहुत ही स्पेशल फीलिंग आ रही है क्योंकि जिस तरीके से ये बना हुआ है एंड जो एटमॉस्फेयर है, जैसे हम लोग एंटर करते हैं, दो डांस हॉल हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये वाला कोर्स जरूर ज्वाइन करने वाला हूँ। तो शक्ति मोहन का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शी वॉज द विनर ऑफ डांस इन द डांस सीजन 2 एंड आप लोग उन्हें अभी फिलहाल जज के रूप में भी देख चुके हैं एंड देख रहे हैं ऑन द शो जनाब। तो डांस की बात कर लीजिए तो डांस जनाब अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अगर हम इनकी बात करें तो जारी बात इन्होंने मजाक वाला डांस किया, नहीं तो असली डांस नहीं, लेकिन यार मैं मोहिना का डांस देखने जो चाहता हूँ, क्योंकि मोहिना एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ग्रेट डांसर है और उसकी वीडियोज़ हम लोग देख चुके हैं, हम लोगों ने देखा जब वो डांस इंडिया डांस में आई थी और वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त डांसर है, मज़ा आता है इसको देख के। एक बाकी गौरव और ऋषि ने तो मज़ा किया, वो कपड़े वाली बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन अगर मैं इनमें से किसी को जज करना चाहूँ तो यार मुझे ना अब दोनों में थोड़ी हंसी है, लेकिन ऋषि वाले मुझे हंसी बहुत है, जो एक्सप्रेशन दे रहा था ना ऋषि, यार क्या दे रहा था, तो ऋषि लव यू हो गया आपसे। मेरे हिसाब से विनर मैं किसको चूज करूं यार, मैं तो एक्चुअली मैं गौरव भाई का फैन हूं, तो आई लव गौरव भाई, गौरव ऋषि को, ऋषि भाई आपको पसंद करता बट आई लव गौरव भाई, तो गौरव भाई इज़ माई फेवरेट ऑलवेज। आप भी संजय हैं ठीक है, और पहले गौरव भाई थे, क्योंकि मुझे ना फनी बंदे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, तो बहुत ही मज़े वाला, और मेरे हिसाब से विनर इज़ गौरव भाई। मज़ा आया, मैंने इन्जॉय किया वीडियो को, आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा, इन्जॉय किया तो चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जरूर बताते रहें। बाकी मिलूंगा अगली वीडियोज़ में, दोनों याद रखिएगा।